बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का भाग। आइए समझते हैं। सबसे पहले 10, 100 और हजार से जब दशमलव संख्या में भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए एक दशमलव संख्या को 10, 100 अथवा हजार से भाग करने के लिए दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु को ध्यान दें बच्चों बाईं तरफ उतने ही स्थान से विस्थापित करते हैं जितने कि एक के अतिरिक्त शून्य होते हैं, जितने जिसमें भाग दिया जा रहा है ना, जैसे 10 का, 100 का और हजार का, इनमें एक के अतिरिक्त जितने शून्य हैं, जैसे 10 में एक है, 100 में दो है, हजार में तीन है, तो इसमें क्रमशः एक, दो व तीन स्थान बाईं ओर दशमलव को अपन विस्थापित करेंगे। इस प्रकार भागफल की प्राप्ति होती है। आइए इस उदाहरणों के जरिए इसे समझते हैं। पहला है, देखिए अब 23.9 में 10 का भाग दिया है, एक के अतिरिक्त जिसका अपन भाग दे रहे हैं वो 10 है, 10 में एक के अतिरिक्त शून्य की संख्या एक है, इसलिए दशमलव, आप देखिए ये बाईं तरफ, आप देखिए ये है बायां भाग और ये है दायां भाग, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। बाईं तरफ यानी ये तीर का निशान है इस तरफ, तो दशमलव को बाईं तरफ एक स्थान यानी यहाँ पर विस्थापित करेंगे दो और तीन के बीच में, ठीक है। अब देखिए दूसरा, 23.9 में 100 का भाग दिया है, तो अपन देखिए ये संख्या है जैसे जैसे लिखी जाएगी, बस इसमें दशमलव को विस्थापित करना है, किस तरफ, बाईं तरफ, कितने स्थान वो तय होंगे कि भाग दिया जाने वाली जो संख्या है वो है 100, उसमें एक के अतिरिक्त शून्यों की संख्या दो है, इसलिए दशमलव दो स्थान बाईं तरफ, यानी यह इस तरफ दो स्थान चलेगा, तो यानी यहाँ लगेगा 0.239। और बच्चों हमने पढ़ा है अगर दशमलव से पूर्व में अगर कोई पूर्णांक नहीं है तो हम जीरो लगा देते हैं, तो भागफल क्या आया 0.239। अगला प्रश्न देखिए, सेम ऐसा ही है, संख्या वो की वही है 23.9, इसमें इस बार भाग दिया जा रहा है 1000 का। बच्चों 1000 में एक के अतिरिक्त शून्यों की संख्या कितनी है, तीन है, तीन है, अतः भागफल में संख्या एक ही आएगी और फर्क क्या रहेगा कि दशमलव तीन स्थान बाईं तरफ विस्थापित होगा, किस प्रकार होगा देखते हैं। संख्या आप है जैसे कि जैसे लिख दीजिए 239, दशमलव पहले 9 के आगे यहाँ था, अब इसे अपने को तीन स्थान आगे सरकाना है, तो देखिए यहाँ तक तो ये दो स्थान आगे, लेकिन अभी एक स्थान और आगे सरकाना है और यहाँ कोई अंक नहीं है, इसलिए अपन यहाँ जीरो लगा देंगे, तो ये तीन अंक हो गए। अब अपन यहाँ तो ये दशमलव और ये जीरो, तो 23.9 में 1000 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा 0.0239, ठीक है बच्चों। देखिए पहले दशमलव यहाँ 3 और 9 के बीच में था, यहाँ अब तीन स्थान बाईं तरफ, ये देखिए ये तीन स्थान बाईं तरफ यानी यहाँ लगाया है, ठीक है, तो अब ये आपकी संख्या हो गई 0.0239। अगला प्रश्न देखिए, इसी आधार पर 235 यानी 235.4 में 10 का भाग दे रहे हैं। बच्चों भागफल में ये संख्या है जैसे कि जैसे लिख दी जाएगी, बस करना आपको ये है कि दशमलव को बाईं तरफ विस्थापित करना है, कितने स्थान विस्थापित होगा वो तय होगा भाग देने वाली संख्या से, भाग देने वाली संख्या 10 है, एक के अतिरिक्त शून्य की संख्या एक, इसलिए एक स्थान बाईं ओर यानी यहाँ से ये 3 और 5 के मध्य में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो भागफल आ गया 23.54। अगला प्रश्न, संख्या समान है, भाग दिया जा रहा है 100 का, तो एक बार आप संख्या बिना दशमलव के है जैसे कि जैसे लिख दें, अब दशमलव कितने स्थान बाईं ओर शिफ्ट होगा इसका फैसला करेंगे अपन इससे कि भाग दे रहे हैं 100 का, 100 में शून्य की संख्या दो है, एक के अतिरिक्त शून्य की संख्या दो, इसलिए दो स्थान बाईं ओर, पहले तो आपके देखिए यहाँ था, अब दो स्थान आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, 2.354 ये भागफल आएगा। अगले प्रश्न में देखिए, समान संख्या है, 1000 का भाग, तो एक बार बिना दशमलव के अपन संख्या लिख देंगे,
अब आप देखिए भाग 1000 का दिया जा रहा है, तो इसमें एक के अतिरिक्त शून्यों की संख्या 3 है, इसलिए दशमलव जो पहले 5 और 4 के स्थान पे था, अब 3 स्थान बाईं ओर शिफ्ट होगा, विस्थापित होगा, पहले यहाँ था, अब 3 स्थान यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और बीच से पूर्व कोई पूर्णांक नहीं है, इसलिए मैंने 0 लगा दिया। तो भागफल क्या आया, 0.2354। इसी प्रकार बच्चों आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में ऐसे 3 सवाल और करिए। अगला प्रश्न, पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या का भाग, यानी जब दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का भाग देते हैं तो बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले उनको पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं। देखिए एक दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से भाग करने के लिए सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं, तब भागफल में दशमलव बिंदु को वैसे ही रखा जाता है जैसे दशमलव संख्या में। बच्चों इस भाषा को आप सावधानी से समझिए, पहले तो उनको पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, तब भागफल में दशमलव बिंदु को, यह है ध्यान देने योग्य बात, तब भागफल में दशमलव बिंदु को वैसे ही रखा जाता है जैसे दशमलव संख्या में है, यानी भागफल में और जो मूल दशमलव संख्या है उसमें दशमलव की पोजीशन सेम रहेगी, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो भागफल में भी दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। अगर मूल दशमलव संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है तो भागफल में भी 1 अंक ही आएगा दशमलव के बाद में। आइए इस उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। सबसे पहले कि 7.6 में 4 का भाग दिया, तो एक बार आप इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग दें, 4 का भाग दे रहे हैं 76 में, भाई 7.6 को आप एक बार 76 मान ले, पूर्ण संख्या मान ले इसको, है ना। 4 का भाग दिया एक बार, बचे 3, नेक्स्ट अंक है वो आपका 36, 36 में 4 का भाग 9 बार, ठीक है, तो भागफल क्या है 19। लेकिन अब आप देखिए क्या कहे, तब भागफल में दशमलव बिंदु को वैसे ही रखा जाता है जैसा दशमलव संख्या में, दशमलव संख्या में देखिए दशमलव के बाद में 1 अंक है तो यहां भी अपने को पोजीशन इसकी ऐसी रखनी है कि दशमलव के बाद में 1 अंक ही रहे, ठीक है। आइए और उदाहरण के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 43.15 में 5 का भाग दे रहे हैं, एक बार आप इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग दें, 5 का भाग 4 में जाता नहीं है इसलिए 2 अंक लिए, 43 में 5 का भाग 8 बार, 40 शेष 3 अगला अंक 1, 6 बार 5 30 शेष 1 नेक्स्ट डिजिट है वो आपका 5, 5 3 15। भागफल आया है 863। अगर हम इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं तो भागफल आया है 863। लेकिन अभी अपन ने पढ़ा था कि तब भागफल में दशमलव को पोजीशन वही रखते हैं जैसा कि मूल दशमलव संख्या में, मूल दशमलव संख्या ये है आपकी, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक रहने चाहिए, इसका मतलब दशमलव कहाँ लगेगा, 8 और 6 के बीच में, और अपन क्या पढ़ेंगे भागफल कितना है 8.63। आइए एक और उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। 82.44 में 6 का भाग देना है, तो पहले तो इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में ही भाग देंगे, 6 का 8 में 1 बार भाग, शेष 2 अगला अंक 2, 3 बार 6 3 18 घटाने पर शेष 4 अगला अंक 4, 44 में 6 का भाग 7 बार घटाने पर 2 अगला अंक 4, 24 में 6 का भाग 4 बार घटाने पर 0। तो भागफल कितना है आपका 1374, ठीक है। अब आप देखिए जब हमने पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग दिया तब तो भागफल कितना आया 1374,
1374। लेकिन अब आप दशमलव की पोजीशन को मूल दशमलव संख्या में है ना, वैसे के वैसे ही दशमलव को लगाइए। दशमलव संख्या में दशमलव की पोजीशन है कि दशमलव के बाद दो अंक आने चाहिए, तो भागफल में भी ऐसा ही होना चाहिए कि दशमलव के बाद में दो अंक तो होने ही चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ लगेगा ये, ठीक है। तो भागफल कितना आया, 13.74, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार आप भी इसी पैटर्न पर कम से कम 5 प्रश्न करें, जिससे कि आपका अच्छी तरह से अभ्यास हो। और एक बच्चों और ध्यान रखें आप कि यह स्थिति हमेशा तभी है जब पूरा पूरा भाग जाता हो। अगर कोई शेषफल बचता है, ये तो क्या आप इन सभी प्रश्नों में देखा है शेषफल कितना है, शून्य है। तो शेषफल शून्य होने पे ही ये स्थिति है। और अगर शेषफल बचता है, एक या अन्य कोई संख्याएं बचती है, तो वो आप अगली क्लास में सीखेंगे। आइए आगे का भाग पढ़ते हैं। 15.5 में 5 का भाग देना है। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि दशमलव संख्या में जब पूर्ण संख्या का भाग देते हैं तो हम पहले पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं। तो एक बार आप दशमलव को नज़रअंदाज करते हुए 15.5 को पूर्ण संख्या यानी 155 इसे पढ़ें और 155 में 5 का भाग देवें। एक में जाता नहीं तो दो अंक लिए, 15 में 5 का भाग 3 बार, घटाने पर शून्य, अगला अंक 5, 5 में 5 का भाग 1 बार, घटाने पर शून्य, 31। भागफल कितना है, 31। अब आप देखिए हमने पढ़ा है ना कि हम जब दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का भाग देते हैं तो पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं, और उसके बाद में जब भागफल में दशमलव की पोजीशन वही रखते हैं जो मूल दशमलव संख्या में। अब देखिए दशमलव संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, तो आप भी भागफल में दशमलव ऐसी जगह लगाइए कि दशमलव के बाद एक अंक के बाद में, तो हमने भी यहाँ लगा दिया। तो भागफल कितना आया, 3.1। 126.35 में 7 का भाग देना है। इसका मतलब आप पहले इसे पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देवें। तो मैं दशमलव को नज़रअंदाज करके 7 का भाग देऊंगा और इस दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या बना दूंगा, 12635 में भाग देना है 7 का। पहला अंक 1, 1 में 7 का भाग जाता नहीं, दो अंक लेंगे 12, 12 में 7 का भाग 1 बार, ठीक है, घटाने पर शेष 5, अगला अंक 6, 7 का भाग 8 बार, 7, 8, 56, ठीक है, शेष शून्य, अगला अंक 3, ठीक है, फिर भी 3 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो हम एक अंक और उतारेंगे। देखिए बच्चों दो अंक जब एक साथ उतरते हैं तो भागफल में भी एक शून्य लगा देते हैं, ठीक है। अगला अंक हो गया 35, अगला अंक उतरने पे 5, तो 35, 35 में 7 का भाग जाएगा 5 बार, घटाने पर शेष शून्य, भागफल आया आपके 1805, ठीक है, 1805 में। अब आप देखिए ये तो हमने पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग किया था, जबकि अब दशमलव संख्या माने तो मूल दशमलव संख्या में दशमलव के बाद दो अंक है, तो भागफल में भी दशमलव के बाद दो अंक होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ लगेगा दशमलव। तो भागफल क्या आया, 18.05। तो बच्चों यहाँ आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो ये भी कि जहाँ दो अंक एक साथ उतरते हैं तो हम भागफल में भी शून्य लगा देते हैं, और दूसरी बात तो ये है ही कि दशमलव संख्या में जब पूर्ण संख्या का भाग देते हैं तो पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं, और भागफल में दशमलव की पोजीशन वही रखते हैं जो सेम दशमलव संख्या में है, यानी दशमलव के बाद जितने अंक हैं भागफल में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे। यहाँ एक चीज़ और विशेष ध्यान रखने योग्य है बच्चों, आपने जितने भी ये भाग किए सब में शेष क्या शून्य बचा है, तो यह जो भाग है ये जो विभाजन है उसी स्थिति में कि जब शेष शून्य रहता है तब ये दशमलव की पोजीशन वाला फॉर्मूला काम देता है। और आपकी क्लास के लेवल का तो यही है, और इससे जैसे शेष रहता है 1, 2 तो उसमें क्या करेंगे वो आपको अगली कक्षा में समझाया जाएगा। लीजिए अगला भाग, एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या में भाग।
यानी जब भाग दिया जाना है और जिसका भाग दिया जाएगा, दोनों संख्याएं भाजक और भाज्य दशमलव संख्याएं हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है? दो दशमलव संख्याओं को भाग करते समय सर्वप्रथम हम दोनों संख्याओं में, ध्यान दीजिए भाषा में, सर्वप्रथम दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु को दाईं तरफ समान स्थानों में, कौन सी तरफ? दाईं तरफ, यानी इस तरफ, दाईं तरफ समान स्थानों में विस्थापित करते हैं और तब भाग देते हैं। देखिए 2.4 में 0.2 का भाग दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अंश और हर की जो संख्या है यानी भाज्य और भाजक, इसमें दोनों में ही आपको दाईं तरफ दशमलव को विस्थापित कीजिए, शिफ्ट कीजिए, यानी इधर सरकाइए इसको, इसे भी सरकाइए समान स्थान पे, है ना। तो आप देखिए चार से पहले ये हो जाएगा चार के बाद, ये दो से पहले है तो ये हो जाएगा दो के बाद, ठीक है। अब आप देखिए ये एक तरह से पूर्ण संख्या है, 24 और दो, 24 में दो का भाग देने पर 12, तो देखिए ये भागफल 12 यार, ठीक है। तो जब दो दशमलव संख्याओं का भाग किया जाए, यानी एक दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या का भाग किया जाए, तो क्या करना है कि दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु को दाईं तरफ समान स्थानों में विस्थापित करते हैं, है ना, और तब भाग देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, दोनों को एक एक स्थान आगे विस्थापित किया, तो यह मुझे क्या पूर्ण संख्याओं के रूप में मिल गई। पूर्ण संख्याओं के रूप में संख्याएं हैं तो फिर मैं सामान्य विधि से भाग दूंगा, तो 24 में 2 का भाग दिया, 12 बार गया, भागफल प्राप्त हो जाएगा। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए 7.75 में भाग देना है 0.25 का। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि दशमलव को कितने स्थान दाईं ओर शिफ्ट करना है, अंश और हर दोनों में दो दो स्थान पूर्व तक, है ना। तो अपन इन दोनों को दो दो स्थान दाईं ओर दशमलव को विस्थापित करेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, यहां 25, एक बार यहां आप लिख भी दे तो ये मान तो यही तो है 775 में 25 का भाग। अब आप देखिए ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या में अब सरलतम विधि से सरल करना है, कैंसिलेशन मेथड से, अगर समान संख्या का अंश हर में भाग जा रहा है तो आप इसे सरल कर लेंगे। जैसे आप देखिए 5 का भाग देंगे इसमें, पंचम 25, इनमें देंगे तब 7 में एक बार, बचे 2 और 7 27 25, 5 बार बचे 2, 5 बार 25, ठीक है। 155 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 × 15 = 31 बार, तो भागफल कितना है 31। तो क्या करते हैं इसमें कि दशमलव को समान स्थानों में, अंश और हर की संख्याओं में समान स्थान दाईं ओर विस्थापित करके उनको पूर्ण संख्याएं बनाते हैं और फिर भाग देते हैं। आइए एक और उदाहरण समझें, इसमें ध्यान देना बच्चों। इसमें देखिए दशमलव के बाद एक अंक है अंश में और हर में है दशमलव के बाद 2 अंक है, तो पहले तो आप इनको समान करिए। समान कैसे करेंगे आप बताएं मुझे, अगर मैं यहाँ 0 लगा दूं तो 42.8 कहूं, 42.8 कहें या 42.80 कहें, तो मान तो समान ही है, ये दोनों समान ही है। तो अपन क्या करें, अगर समान बनाने हो, जैसे दशमलव के बाद अंक समान नहीं हो तो आप 0 लिखकर दशमलव के बाद के अंकों को समान बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक था, यहाँ हर में दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए मैंने अंश में 1 0 लगा दिया जिससे कि दशमलव के बाद 2 अंक हो गए 8 और 0, और हर में है दशमलव के बाद 0 और 2 अंक हो गए। अब आप इनको दाईं ओर 2 स्थान विस्थापित कीजिए, तो अंश में संख्या हो गई 4280, हर में संख्या हो गई 02 02, का मतलब 2 ही है, तो 4280 में 2 का भाग देना है, 4 में 2 का भाग 2 बार 140, 2140। एक उदाहरण और समझिए, देखिए अंश व हर में 5.6 में 1.4 का भाग देना है,
दशमलव के बाद समान अंक है, इसलिए इन दोनों को एक एक स्थान दाईं ओर विस्थापित कीजिए, तो संख्या बन गई आपकी ये 56.0 और ये हर में है 14.0, तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्या है। 56 में 14 का भाग देना है, 56 में 14 का भाग बच्चों 4 बार जाता है, ठीक है, 14 की टेबल में आता है ना 56। तो इस प्रकार आप भी घर पर अभ्यास पुस्तिका में प्रयास कीजिए। धन्यवाद।